तो ऋतवाक ऋषि जो थे उन्होंने रेवती नक्षत्र को जो है श्राप दे दिया कि मुझे तो दुख हुआ और किसी को न हो, गिर जाओ। रेवती नक्षत्र जो है वो पृथ्वी पे गिर गए और वो कुमुद पर्वत पर गिरे तो उसका नाम हो गया रेवत, और उनको वहां से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उसका नाम हुआ रेवती। उन्होंने उस पुत्री का नाम रेवती रख दिया। रेवती बड़ी हुई, उसको ऋषि एक दूसरे ले गए। बड़ी हुई तो ऋषि को चिंता हुई कि इतनी सुंदर पुत्री है तो इसका जो है जीवन साथी यानी कि इसका पति कैसा होगा, कौन होगा। तो उन्होंने अपने अग्निशाला में प्रवेश करके वहाँ पर अग्नि देवता का आह्वान किया और अग्नि देवता से पूछा कि ये बताएं कि ये जो जिसको मैंने कन्या के रूप में पाला है, एक बेटी के जैसा पाला है रेवती, ये बड़ी हो गई है तो इसका विवाह किससे होगा, इसका योग्य वर कौन है। तो उन्होंने अग्निदेव ने कहा कि एक दुर्दम नाम का जो राजा है वो जो है वो इनका वरण करेगा। संयोगवश प्रेरणा से योग से उसी समय दुर्दम भी वहाँ पहुँचे और ऋषि के कमरे के वहाँ जाकर बोले कि उन्होंने एक महिला जैसा देखा तो कहा प्रिय ऋषि कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो अग्निशाला में है। तो राजा तुरंत वहाँ से बाहर चले गए। इतना भी स्पष्ट लिखा है, पढ़ ले चाहे देवी भागवत जी की पोथीला के, कि राजा तुरंत वहां से बाहर हो गए। यानी शिष्टाचार यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है कि अकेली कहीं आप किसी के घर जाए और उनकी बेटी या कोई महिला अकेली हो तो पूछ के तुरंत अगर आपके वहाँ के जो वरिष्ठ हैं वो नहीं है तो आप बाहर हो जाए, ये शिष्टाचार है। इतनी छोटी सी बात भी हमें भगवती सिखाती है, इसमें शिष्टाचार सिखा रही है। वहां रुके नहीं, वहां रुकना पाप हो जाएगा। तो वो बाहर आ गए, बाहर अग्निशाला के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर नतमस्तक कि जब गुरुजी उनके बाहर आएंगे तो पूछेंगे। तो उन्होंने पूछा तो बोले कि मैं अग्निदेव की प्रेरणा से ही आपने कहा और जिन्हें आपने प्रिय कहा यही आपकी पत्नी होने वाली है, यही आपकी पत्नी, इतनी जल्दी भूल गए। बोले नहीं नहीं गुरुवर, मैं भूला नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं मुझे किस योगवश मेरा यहाँ आना हुआ। उन्होंने उनके वहाँ पे उनके साथ विधि विधान के साथ विवाह कर दिया। लेकिन जब विवाह करने लगे तो फिर से नक्षत्र की बात आई, मुहूर्त की बात आई, गणना की बात आई। तो रेवती ने कहा कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही है। देखो बेटियां कैसी होती हैं, बेटियों की महत्ता यहाँ बताई गई है। तो ऋषि ने कहा कि वो नक्षत्र जो आकाश में ही नहीं है उसमें शादी क्यों करना चाहती हो, विवाह क्यों करना चाहती हो। तो कहा कि नहीं मुझे इसी नक्षत्र में आप अपने, बोले एक ऋषि के श्राप से अगर वो धरती पर आ गए तो क्या पिताश्री मैं आपको जानती हूँ, आप जितना तप और जप करते हैं क्या आप अपने तप और तपोबल से इनको वापस आकाश में स्थित नहीं कर सकते। एक और सॉल्यूशन, रेवती नक्षत्र गिरा लेकिन उनकी बेटी वापस उनको कहाँ स्थापित कर रही है, आकाश में जहाँ पर वो थे अपने स्थान पर। तो बेटियों को कम समझने वाले थोड़ा सा आँख खोल के कान खोल कर सुने, बेटियाँ कम नहीं होती हैं। और हम पर्सनली कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो यहाँ तो टीवी भी नहीं है, टीवी भी नहीं देखते हैं, कथा कह रही है। बेटियों को कम न समझे, साक्षात शक्ति का स्वरूप है, इनका सम्मान करें। तो उन्होंने जो है अपने तपोबल से ऋषि ने वापस रेवत नक्षत्र, रेवती नक्षत्र को आकाश में सोम पथ पे स्थापित कर दिया। और सोम मंडल में स्थापित करने के बाद उसी नक्षत्र में उन्होंने रेवती की दुर्दम के साथ ब्याह करा दिया, शादी करा दी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राजा दुर्दम से कहा कि कहो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बात मान के मेरी पुत्री से विवाह किया है, मेरी पुत्री सम रेवती से विवाह किया है, तो अब तुम क्या चाहते हो। तो दुर्दम ने ये कहा राजा है तो उसकी अभिलाषाएं ऐसी ही होंगी कि मेरा जो पुत्र हो
वो मन्वंतर अधिकारी, यानी वो सबसे वरिष्ठ हो, जिसको पूरे मन्वंतर का जिसके पास अधिकार हो। तो बोले उसके लिए आप 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का पाठ पारायण विधि विधान के साथ करें, उसके बाद आपको जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो मन्वंतरा अधिपति होगा। 5 बार, यानी कि एक ही बार पढ़ लेने से, एक ही बार श्रवण कर लेने से, पढ़ा लेने से आपको इच्छित फल मिलेगा, पर उसका मापदंड तो देखना पड़ेगा ना। डायमंड खरीदने के लिए लाखों लगते हैं, सब्जी खरीदने के लिए 20-25 रुपए में आ जाती है। तो आपके पुण्य के मापदंड, जो बोलेंगे भगवती का हमने पाठ पोथी पढ़ लिया, अब हम सब तो तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋषि खुद बता रहे हैं कि 5 बार आप जो है पाठ करें, उसके बाद आपको ऐसा पुत्र मिलेगा कथा श्रवण करने के बाद, जो मन्वंता अधिकारी होगा। यानी राज्य सत्ता को अगर आपको प्राप्त करना है, मन्वंता अधिकारी यानी राजपाल, मन्वंतर ही पूरा मेरा हो, एक देश नहीं पूरा मन्वंतर, पूरा सत्र मेरा हो, तो उसके लिए विधान है कि 5 बार आप कम से कम 5 बार पाठ करें तो आपको वो फल मिलता है। वैसे तो ये कहा गया है देवी भागवत में कि हर नवरात्र में, साल में 4 नवरात्रि आती है, चारों नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करना चाहिए, कराना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ये विधान है। इस प्रकार से उन्होंने ये सब 5 बार कथा करी, करवाई, ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, और उसके बाद में जो उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यहाँ देवी माध्यम संपूर्ण होता है। इसके बाद में Thank you.